एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिनेशन से ही रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब मुझे वन बाय वन इन एजेंसियों के बारे में ही आपको डिस्कस करना है। एक्चुअली में देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज, दैट इज़ एबायोटिक एजेंसी एंड बायोटिक एजेंसी। एबायोटिक एजेंसी मेनली दैट इज़ द नॉन लिविंग एजेंसीज इंक्लूड्स एयर एंड वाटर, एंड एयर एंड वाटर ये मेनली टू एबायोटिक एजेंसीज हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में बायोटिक एजेंसी पार्टिसिपेट करती है। मीन्स जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक एजेंसी के थ्रू ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स में, कुछ एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो एबायोटिक एजेंसी के थ्रू होता है, लेकिन कुछ ही स्पीसीज में, स्पेशली एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू। क्लियर? लेकिन जब पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंसी के थ्रू होगा तो इसमें क्या है कि पोलन ग्रेन का ज़्यादा लॉस होता है। तो इन ए फ्लावर ज़्यादा पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एबायोटिक एजेंसी है, इन एबायोटिक एजेंसी के थ्रू पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की जो मीटिंग है वो बाय चांस कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो इसी लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए इस टाइप के प्लांट्स हाई नंबर में पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, ठीक है। और कंपेयर टू ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, तो हाई अमाउंट में इस टाइप के प्लांट्स पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं। क्लियर? ये बात आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद में मैं यहाँ पे बात, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंसीज, दैट इज ए बायोटिक एजेंट। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करूँ फर्स्ट ए बायोटिक एजेंसी की, दैट इज द एयर। क्लियर? तो ए बायोटिक एजेंसी का मैं डिस्कस कर रहा हूं, ए बायोटिक एजेंसी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्टली मैं डिस्कस करता हूं एयर, पॉलिनेशन बाय एयर, दैट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। एनिमोफिली बोला जाता है क्योंकि एनिमो जो टर्म है ये एयर के लिए आती है, और फिली माने, फिली मीन्स पॉलिनेशन। क्लियर? इवन जो फिली टर्म है ये फिलेन एक टर्म से आई है जिसका मीन्स होता है टू लव। क्लियर? आप समझ रहे हैं ना। तो एनिमोफिली की हम बात करें तो एनिमोफिली के अंदर, ठीक है, कि भाई पॉलिनेशन बाई एयर है एनिमोफिली, और इस के अंदर फ्लावर्स कैसे होने चाहिए जो एयर के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन होता है, फ्लावर कैसे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इनके नॉन इसेंशियल पार्ट किस टाइप से डेवलप होने चाहिए, क्लियर, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, तो वो सारे करेक्टर्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। पोलन ग्रेन किस टाइप के होने चाहिए, क्लियर। तो यहाँ हम मैं बात करूँ कि करेक्टरिस्टिक फीचर की, तो सबसे पहले आप देखिए द एनिमोफिली की बात करें। एनिमोफिली क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एयर या विद द हेल्प ऑफ एयर इज नोन एज एनिमोफिली। क्लियर? डेफिनेशन आपकी समझ में आई कि द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एयर या थ्रू द एयर इज नोन एज एनिमोफिली। क्लियर?
इज इट क्लियर? और इसके बाद में जिन फ्लावर के अंदर, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है, या जिन फ्लावर में एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनको हम एनीमोफिलस फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, फ्लावर्स इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई एयर, सच फ्लावर, सच फ्लावर आर सेट टू बी एनीमोफिलस, एनीमोफिलस। क्लियर? तो ऐसे फ्लावरों को हम एनीमोफिलस बोलेंगे जिन फ्लावर में पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है। क्लियर? अब करेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात करूं एनीमोफिलस फ्लावर के, तो आप ये देख सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप का पैटर्नी डेफिनेशन का आपको सभी टाइप की एजेंसी में रखना है। क्लियर? एनिमोफिली या हाइड्रोफिली हो, एंटोमोफिली हो, ठीक है, मेलेकोफिली हो, या काइरोप्टेरोफिली हो, या ऑफियोफिली हो, किसी भी टाइप का पॉलिनेशन है, उसके डेफिनेशन का सीक्वेंस आपको इस टाइप से ही रखना है। क्लियर? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एयर, या विद द हेल्प ऑफ एयर, या थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फ्लावर्स इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई एयर, सच फ्लावर आर कॉल्ड एज एनिमोफिलस। अब करेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात करूं, यहां पे करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिलस, एनिमोफिलस फ्लावर। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि फ्लावर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर वन मैं यहाँ पॉइंट की बात करता हूँ कि फ्लावर स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिकुअस होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ कि फ्लावर इन प्लांट्स के अंदर स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिकुअस होना चाहिए। इनकॉन्स्पिकुअस का मीन्स है, ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस का मीनिंग क्या है कि नॉट क्लियरली सीन। क्लियर? कैसा होना चाहिए फ्लावर? स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिकुअस होना चाहिए, और कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। क्लियर? नेक्टरलेस होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बायोटिक एजेंसी तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, ये बायोटिक एजेंसी है तो ना तो कलर की जरूरत है अट्रैक्शन के लिए, ना पर्टिकुलर स्मेल की जरूरत है, ठीक है, और ना ही नेक्टर की जरूरत है। और नेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि ये सुगरी सबस्टेंसेस है, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द नेक्ट्रीज, विच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट विद इन द फ्लावर एंड आउटसाइड द फ्लावरल अपेंडिजेस। क्लियर? तो यहाँ पे है फ्लावर्स में, ठीक है, और कैसा होना चाहिए? कलरलेस, कलर की जरूरत नहीं है कोई, क्यों? क्योंकि ये बायोटिक एजेंसी है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस। क्लियर? ठीक है, तो एनिमोफिलस में जो फ्लावर है वो स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिक्यूस होना चाहिए। इनकॉन्स्पिक्यूस का मीन्स है नॉट क्लियर, नॉट क्लियरली विजिबल, एंड कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस। ऐसा फ्लावर होना चाहिए उन प्लांट्स में जिनमें एयर पॉलिनेशन होता है। क्लियर? इसके बाद में जो नॉन एसेंशियल पार्ट है, लाइक दैट कैलेक्स कोरोला, ठीक है, वो रिड्यूस हो या एब्सेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो नॉन एसेंशियल पार्ट एबसेंट और रिड्यूस्ड, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पे कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स, नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर एबसेंट
और रिड्यूस्ड, क्योंकि जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हम देख रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट करेक्टर की हम बात करें कि इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो फ्लावर है वो वेल एक्सपोज्ड इन द एयर। एक बात और आप यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं कि फ्लावर्स आर वेल एक्सपोज्ड इन द एयर। फ्लावर्स आर वेल एक्सपोज्ड इन द एयर, ठीक है, एयर में पूरी तरीके से फ्लावर क्या है, एक्सपोज होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद में पॉलन ग्रैन कैसे होने चाहिए, पॉलन ग्रैन इस फ्लावर के स्मॉल होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, डस्टी होने चाहिए एंड सम टाइम विंग्ड, सो दैट दे आर इजिली ब्लॉन अवे टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? तो नेक्स्ट आप पॉइंट पोलन ग्रहण के बारे में लिख सकते हैं कि पोलन ग्रहण स्मॉल होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, डस्टी होने चाहिए एंड सम टाइम विंग्ड, जैसे कि मैंने आपको पाइनस में डिस्कस कराया था। पाइनस हालांकि जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इसके जो पोलन ग्रहण है वो विंग्ड होते हैं, सो दे इजिली ब्लॉन अवे टू ए लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे आप पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट एनिमोफिली के रिगार्ड्स में कि पोलन ग्रेन स्मॉल होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, डस्टी होने चाहिए, विंग्ड होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो इजीली एयर के थ्रू एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके पर्टिकुलर स्टिग्मा पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप यहां पे ये लिख सकते हैं, पॉलन ग्रेन आर स्मॉल, पॉलन ग्रेन आर स्मॉल, लाइट, डस्टी, पॉलन ग्रेन आर स्मॉल, लाइट, डस्टी, ड्राई एंड समटाइम्स विंग्ड, समटाइम विंग्ड। क्यों इस टाइप के पोलन ग्रेन क्यों होने चाहिए? बिकॉज दे इजली ब्लॉन अवे टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? और लॉन्ग डिस्टेंसेस में काफी लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है, 1,300 किलोमीटर तक भी ये ट्रेवल कर जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि स्टिग्मा कैसा होना चाहिए इनमें, ठीक है, तो स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए जिससे कि एयरबॉर्न जो पोलन ग्रेन है उनको इजिली वो कैच कर सके। तो स्टिग्मा शुड बी लार्ज, वेल एक्सपोज्ड, हेयरी, फीदरी और ब्रांच्ड टू कैच द एयरबॉर्न पोलन ग्रेन, ठीक है। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं स्टिग्मा के बारे में, स्टिग्मा शुड बी लार्ज्ड, स्टिग्मा शुड बी लार्ज्ड, शुड बी लार्ज्ड, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड इन एयर, ठीक है, हेयरी, फीदरी, हेयरी, फीदरी और ब्रांच्ड। तो इस तरीके का स्टिग्मा क्यों होना चाहिए? जिससे कि एयर के अंदर जो पोलन ग्रेन है उनको इजीली क्या है, कैच कर सकता हो। इज इट क्लियर? इसके बाद में इस टाइप का जो पॉलिनेशन है, एयर पॉलिनेशन है, ये कॉमनली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भाई? कॉमनली ये ग्रासेस में देखने को मिलता है,
ठीक है, ग्रासेस दैट इज द मोनोकॉट्स, ग्रासेस में ये देखने को मिलता है, शुगर कैन भी इसी में आ जाता है, शुगर कैन में, बेम्बू में और कोकोनट पाम के अंदर, डेट पाम के अंदर, कैनाइविस के अंदर, इवन मेज टेसल की बात भी हम कर सकते हैं, मेज की बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेज का आप देखते हैं कि मेज में ऊपर मेल इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको टेसल बोलते हैं, ठीक है, और नीचे इसका ईयर होता है, ईयर बोले तो फीमेल इन्फ्लोरोसेंस ऑफ कॉर्न दैट इज द मेज, है ना, और वहां से फिर जो पॉलन ग्रेन है वो डेवलप कहाँ हो रहे हैं, टेसल में डेवलप हो रहे हैं, टेसल में डेवलप हो रहे हैं, भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेज के केस में, और वहां से फिर पॉलन ग्रेन इजिली कहाँ आ जाते हैं, ईयर पार्ट पर, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है मेज के केस में, क्लियर। एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं डायग्राम वो दिया हुआ है, इसमें कोव वाला, ठीक है, कोव में साइड में आप देख रहे हैं कि स्टिग्माइन स्टाइल है और ऊपर टैसेल है, ठीक है, तो टैसेल में पोलन ग्रेन डेवलप होकर के स्टिग्मा और स्टाइल से स्टिग्मा पर आकर के पहुंच जाते हैं, तो काफी लॉन्ग होती है साइड बाय साइड स्टिग्मा, जो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन को इजिली क्या है कैच कर लेती है, क्लियर। तो इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ग्रासेस में सुगर कैन, इवन ये भी ग्रासेस ही हैं, बैम्बू, बैम्बू, ठीक है, कोकोनट पाम, कोकोनट पाम के अंदर, और क्या बताया था मैंने, कोकोनट पाम के अंदर, इसके बाद में और दूसरा एग्जाम्पल आप कैनाइबिस का ले सकते हैं, कैनाइबिस मीन्स भांग, ठीक है, हाँ डेट पाम और बताया था मैंने, डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइली फेराइस को बोलते हैं, ठीक है, और भांग के अंदर कैनाइबिस, कैनाइबिस सैटाइवा ये भांग है, क्लियर। एंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेज का दिया हुआ है, क्लियर। तो मेज में आप देखते हैं कि भाई जो मेल इनफ्लोरोसेंस है, मेल इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, टैसेल बोलते हैं, और फीमेल इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, फीमेल इनफ्लोरोसेंस को ईयर बोलते हैं, ठीक है, और यहां पर जो स्टिग्मा है वो साइड बाई साइड फैले रहते हैं, जिससे कि ईयर बॉर्न पॉलन ग्रेन को इजिली पिकअप कर लें, क्लियर। तो इस तरीके का ये आपका ईयर पॉलिनेशन हो जाता है, एनिमोफिली आपका कंप्लीट हो जाता है, इज इट क्लियर और नॉट। सेकेंड टर्म आप डाल सकते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली की बात कर सकते हैं, माने पॉलिनेशन थ्रू वाटर, ठीक है, इवन हमें ये पता है बच्चों कि जो हाइड्रोफिली है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, इवन कुछ प्लांट्स एक्वेटिक ऐसे भी हैं जिनमें पॉलिनेशन अदर एजेंसी के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता है, जैसे मैं बात करूँ वाटर हाइसिंथ, वाटर लिलीज, ठीक है, इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, इज इट क्लियर। ऐसा नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर जरूरी हो पॉलिनेशन के लिए, लेकिन ये हमारे मन में ये आइडिया है कि यदि हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, टेडोफाइट्स की बात करते हैं, तो वहां पे वाटर एक्ट्स एज ए मीडियम, ठीक है, जिसके थ्रू जो फ्लैजलेटेड गैमेट्स हैं, फ्लैजलेटेड मेल गैमेट्स हैं, दे स्विम विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड फाइनली रीच टू द फीमेल गैमेट एंड फर्टिलाइज्ड इट, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ एंजियोस्पर्म में वाटर के थ्रू भी क्या है, पॉलिनेशन होता है, क्लियर। तो आप एक बात है यहाँ पर नोट्स कर सकते हैं कि पॉलिनेशन बाई वाटर इज नॉट कॉमन, इट इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है, केवल 30 जेनरा में ही ये सीमित है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं हाइड्रोफिली, और हाइड्रोफिली का सीधा मीनिंग है कि पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, क्लियर।
तो नेक्स्ट आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं सेकंड, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली का सीधा मीनिंग है कि पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, डेफिनेशन वही बना देंगे जो मैंने एनिमोफिली में आपको डिस्कस की थी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली, दैट इज द पॉलिनेशन बाय वाटर। क्लियर? और ये मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिनेशन थ्रू वाटर, पॉलिनेशन थ्रू वाटर इज वेरी रेयर। ठीक है, पॉलिनेशन थ्रू वाटर इज वेरी रेयर एंड फाउंड इन एंड कॉमनली फाउंड इन 30 जेनरा, मीन्स 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट्स, ऑफ मोनोकॉट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके बाद मैं यहां पे बात करूं कि यहाँ कॉमनली इसके फ्लावर को हम हाइड्रोफिलस फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस फ्लावर बोलेंगे उसको। और इस फ्लावर के क्या करेक्टर होने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे पहले फ्लावर स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। ठीक है, फ्लावर स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, लाइक दैट ऑफ एनिमोफिली। क्लियर? दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर कि नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट, कोई नेक्ट्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, कोई स्मेल या कोई सेंट ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि एबायोटिक एजेंसी है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप हाइड्रोफिलस फ्लावर की करेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं कि फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर? तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं कि फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग क्या है? अगेन मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि नॉट क्लियरली विजिबल। क्लियर? दूसरा मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के अंदर नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट। ठीक है, नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट, कोई भी सेंट नहीं रिलीज होती है। ठीक है, उस फ्लावर में जिसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद में थर्ड, यदि मैं पॉइंट के बारे में बात करूं यहाँ पे कि पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, तो पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए। ठीक है, और अनवेटेबल होने चाहिए। अनवेटेबल मतलब ठीक है, गीले नहीं होने चाहिए। हालांकि इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो सराउंडेड बाई ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग, हैंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। क्लियर? तो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? पॉलन ग्रेन एक तो सबसे बड़ी बात है लाइट होने चाहिए। ठीक है, हैवी नहीं, लाइट होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए, लाइट होने चाहिए पॉलन ग्रेन और अनवेटेबल, अनवेटेबल। हालांकि पोलन ग्रेन आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस
ठीक है, म्यूसी लेजीनेस कवरिंग से कवर्ड होते हैं यहाँ पे, एंड हेंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. तो इस तरीके से यहाँ पे पोलन ग्रेन के करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए कि भाई हाइड्रोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रेन शुड बी लाइट अनवेटेबल, एंड जनरली पोलन ग्रेन आर सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग, सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. ठीक है, क्लियर. और म्यूसिलेज आप जानते हैं कि जेली लाइक सबस्टेंसेज है, इसमें डिफरेंट टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं. क्लियर. इसके बाद में हम बात करें स्टिग्मा की. तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोफिलस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, कि स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी, स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी बट अनवेटेबल. ठीक है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए. नेक्स्ट जो करेक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टिग्मा के रिगार्ड्स में, आपका ये करेक्टर नंबर 4 हम ले सकते हैं. स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए. स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी एंड अनवेटेबल. ठीक है, एंड दिस टाइप का जो पॉलिनेशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स. क्लियर, हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली, एंड सेकेंड है हाइपो हाइड्रोफिली. तो एपी हाइड्रोफिली के बारे में डिस्कस करते हैं. जनरली क्या है स्टूडेंट, जो एपी हाइड्रोफिली, एपी मीन्स अपॉन, माने इट टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, एपी मीन्स अपॉन, तो इट टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. मीन्स इस टाइप की हाइड्रोफिली जो कॉमनली देखने को मिलती है वो किसमें देखने को मिलती है, वेलिसनेरिया के केस में. ठीक है, तो वेलिसनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेलिसनेरिया. ठीक है, इसमें क्या है एपी हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, एंड सेकंड में बात करूं हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली. क्लियर, हाइपो मीन्स बिलो, हाइपो मीन्स क्या है, बिलो है. और इसका मीनिंग क्या है कि जनरली इट टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इट टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. और इस तरीके की जो कंडीशन है वो किसमें देखने को मिलती है, आपका सेरेटोफिल्लम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, सेरेटोफिल्लम के साथ साथ जॉस्टेरा में भी, जो कि एक सी ग्रास है, इसमें भी देखने को मिलता है, और हाइडला है, इसमें भी देखने को मिलता है हाइपोहाइड्रोफिली. ठीक है, तो जनरली क्या है कि इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर, फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर, पोलन ग्रेन आर लॉन्ग
river like and are carried passively inside the passively inside the water. ठीक है, some of them reach to stigma and achieve pollination. Clear? Some of them reach to the stigma and achieve pollination. Clear? और ये सिचुएशन किसमें देखने को मिलती है? सेरेटोफिलम में. क्लियर? हाइड्रला में, जॉस्टेरा में. तो एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं. सेरेटोफिलम, जॉस्टेरा जो कि सी ग्रास है, हाइड्रला. जनरली ये सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स में इस टाइप का पॉलिनेशन होता है. क्लियर? अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई जनरली क्या है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही हो. अदर एजेंसी भी वहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेट कर सकती हैं. ठीक है, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. क्लियर? इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली. वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली. क्लियर? फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर हाइसिंथ के केस में, वाटर लिली के केस में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है. ठीक है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स में होता है. इज इट क्लियर या नॉट? ठीक है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, फ्लावर्स एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड. ठीक है, तो इन यहाँ पे स्टार आप मार सकते हैं चाहे. इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्लावर है वो इमर्ज आउट, ठीक है, वाटर के ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है एंड पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट. पॉलिनेटेड बाय विंड्स और इंसेक्ट. इज इट क्लियर? पॉलिनेटेड बाय, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में करें तो इंसेक्ट पहले आ जाएगा, इंसेक्ट और विंड्स, इंसेक्ट्स और विंड. इज इट क्लियर? ठीक है, हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ना इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स. इज इट क्लियर? तो इस टाइप का आप ये पॉलिनेशन देख सकते हैं. एबायोटिक एजेंसी के थ्रू आप पॉलिनेशन देख सकते हैं और एबायोटिक एजेंसी के थ्रू कुछ ही एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है. मेनली मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन बायोटिक एजेंसी के थ्रू ही परफॉर्म होता है. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम मुझे आपको बायोटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस कराना है, बायोटिक एजेंसी के बारे में डिस्कस कराना है. आप अच्छे से स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें बस आप. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन.